एक सच्चे विजेता की पहचान इससे नहीं की जा सकती कि वो कितना प्रशंसनीय है, बल्कि वो कितनी कुशलता से विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है, ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों, WWE सुपरस्टार द्वारा खेली गई ऐसी फाइट दिमाग में आ जाती है जो बेहद ही यादगार थी, जिसे आज भी देखकर उतना ही रोमांच भर जाता है। दोस्तों, ये सुपरस्टार अपने खेले गए फाइट को जीतने के लिए सब कुछ कर डालते हैं। दोस्तों, पिछली मंडे नाइट रॉ काफ़ी निराशा भरी रही है। पहले ही सेगमेंट से बुरी खबर सामने आई, रोमन रेंस इस रो की जान है, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। रोमन रेंस को घातक बीमारी हो गई है और उन्होंने इस वजह से यूनिवर्सल चैंपियनशिप छोड़ दी है। ये काफ़ी दिल दुखाने वाली बात है। दोस्तों, यदि आप भी रोमन रेंस के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो के 10,000 लाइक जल्द से जल्द पूरे कराएं, ताकि हम आपको उससे जुड़ी पल पल की जानकारी आपको देते रहें। दोस्तों, WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेशेवर कुश्ती उद्योग में जाना माना नाम है। बच्चों से लेकर बड़े तक इस खेल के दीवाने हैं, लेकिन जब भी कभी हम इसके बारे में बात करते हैं तो इनके सुपरस्टार द्वारा खेली गई ऐसी फाइट दिमाग में आ जाती है जो बेहद ही यादगार थी, जिसे आज भी देखकर उतना ही रोमांच भर जाता है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, ये सुपरस्टार अपनी खेली गई फाइट को जीतने के लिए सब कुछ कर डालते हैं। मैच जीतने के लिए ये WWE स्टार मैच में बेईमानी भी करते हैं, जिसे ये खेल का एक हिस्सा मानते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ 5 बेहतरीन मैच के बारे में, जिन्हें देखते ही रोमांच बढ़ जाता है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 1 की। रेसलमेनिया 33 में रोमन के खिलाफ अंडरटेकर का मैच देखने के लिए WWE फैन बहुत इंतजार कर रहे थे। यह मैच अंत तक दिल दहलाने वाला रहा। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़े, रिंग के बाहर भी इन दोनों की जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली। दोस्तों, इस मैच में रोमन ने अंडरटेकर को हरा दिया। इस हार के साथ ही अंडरटेकर को रेसलमेनिया में दोबारा शिकस्त खानी पड़ी। इससे पहले अंडरटेकर को रेसलमेनिया 30 में ब्रोक लेसनर ने हराया था। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 2 की। WWE सुपरस्टार एज ने वैसे तो कई बार ये साबित किया है कि वो एक बेहतरीन फाइटर है, जो कि मैच में अपने विरोधी पर टेबल और चेयर का इस्तेमाल करके मैच को अपने नाम कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके एज मैच को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देते हैं। दोस्तों, साल 2006 में खेले गए मैच में एज ने जॉन सीना को कड़ी टक्कर देते हुए उन पर एक के बाद एक कई वार किए। दोस्तों, एज ने मैच जीतने के लिए जॉन सीना पर टेबल और चेयर से बुरी तरह वार किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके और अंत में जॉन सीना ने अपना बेहतरीन फिनिशिंग मूव एटीट्यूड एडजस्टमेंट देकर मैच को अपने नाम कर लिया। ये एक बेहतरीन मैच था, जिसे लोगों द्वारा आज भी पसंद किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3, अंडरटेकर बैनाम सोन माइकल। दोस्तों, WWE के दोनों ही दिग्गज अपने बेहतरीन फाइट के लिए जाने जाते हैं। दोनों ही एक से एक बढ़कर एक है। साल 1997 के बैड ब्लड मैच में दोनों ही दिग्गजों ने मैच में एक दूसरे पर एक के बाद एक कई वार किए, जिसमें टेबल और चेयर से लेकर डंडे तक का इस्तेमाल हुआ है। दोनों ही खिलाड़ी खून से सने पड़े हुए थे। दोस्तों, ये मैच WWE के इतिहास में सबसे खतरनाक मैचों में से एक था। हेल इन द सेल का ये यादगार मैच, आखिर में इस मैच को अंडरटेकर के नाम किया गया। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 की। जब कई WWE सुपरस्टार एक रिंग में एक साथ हो तो मैच में रोमांच और ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ ही साथ ये मैच सबसे खतरनाक मैचों में से एक भी हो जाता है। जी हाँ, WWE सुपरस्टार क्रिस जेरिको, RVD, ट्रिपल एच, सोन माइकल, केन और ब्रूकर टी जब स्टील गेज में भिड़े, तब इन्हें आप सबसे खतरनाक मैचों में से एक कहेंगे। ये पहला ऐसा स्टील चैम्बर था जो अब तक सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मैच में सोन माइकल 4 साल बाद रिंग में उतरे थे, लेकिन WWE चैंपियनशिप मैच के लिए अपनी दावेदारी बनाने में कामयाब नहीं हो सके। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 5 की। WWE का महाकुंभ कहे जाने वाले रेसलमेनिया में वैसे तो हर एक मैच काफ़ी यादगार और रोमांचित कर देने वाला होता है, लेकिन रेसलमेनिया 24 में रिक फ्लेयर और सोन माइकल के बीच खेला गया ये मैच बेहद ही रोमांचित कर देने वाला था। दोस्तों, इस मैच को जीतने के लिए रेसलिंग की दुनिया के दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। बेहद खास इस मैच में दोनों खिलाड़ियों के लिए सब कुछ दांव पर लगा था, लेकिन यह मैच सबसे खास था कि रिक फ्लेयर के लिए
जिनका WWE कैरियर दांव पर लगा था। जी हाँ, अगर रिक ये मैच हार जाते तो उन्हें WWE से हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ता। दोस्तों, रिक ने सोन माइकल से मैच जीतने का हर तरह से प्रयास किया, लेकिन सोन ने रिक के जबड़े पर जोरदार किक मार के मैच को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, WWE फैंस के लिए ये एक बेहद ही भावुक और यादगार मैच था, जिसे वो आज भी देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, कमेंट कर ये बताना न भूले कि आपको इनमें से सबसे अच्छी फाइट किसकी लगी। और दोस्तों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भगवान से प्रार्थना करें कि रोमन रेंस जल्द ही ठीक होकर हमें फिर से दोबारा WWE में नजर आए। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे फेसबुक पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।